हेलो एवरी वन वेलकम टू द चैनल टुडे इन दिस वीडियो आई शैल बी एक्सप्लेनिंग अबाउट ऑफ कैन एंड मे आज मैं वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि कैन एंड मे का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं सो कैन एंड मे आर ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी वर्ब्स इनको ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं समटाइम्स दे आर ऑल्सो नोन एज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल वर्ब्स ये हमेशा मेन वर्ब के साथ आते हैं सेंटेंस में जैसे कि ये नीचे मैंने दो सेंटेंस दिया है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो रेड कलर में है वो मेन वर्ब है और इनके साथ ये कैन और मे का यूज़ किया गया है सो दैट सिंपली मीन्स कि आप कहीं पर भी यूज़ कर रहे हैं कैन एंड मे का इसके साथ आपको मेन वर्ब का इस्तेमाल जरूर करना होता है सो द फर्स्ट सेंटेंस इज़ इज़ आई कैन डू दिस ऑल डे दिस इज़ वन ऑफ माई फाइव फेवरेट डायलॉग विच इज़ स्पोकन बाई कैप्टन अमेरिका इन मेनी ऑफ द मार्वल मूवीज़ एंड द सेकेंड सेंटेंस इज़ यू मे लीव नाउ मतलब मैं पूरे दिन इसे कर सकता हूँ और अब आप जा सकते हैं सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड uh, सबसे पहले कैन का यूज़ हम लोग समझते हैं तो कैन का यूज़ जो है वो किया जाता है एबिलिटी योग्यता को दिखाने में चाहे वो योग्यता किसी भी तरह की हो जैसे कि पहला सेंटेंस जो है यहाँ पे हम लोग मेंटल एबिलिटी की बात कर रहे हैं मतलब uh, कह सकते हैं कि द फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन मैं ये सवाल हल कर सकता हूँ यहाँ पे यू आर टॉकिंग अबाउट योर मेंटल एबिलिटी योर मेंटल कैपेसिटी टू डू समथिंग और आई कैन सॉल्व दिस मैथमेटिकल प्रॉब्लम और आई कैन सॉर्ट दिस आउट मैं ये संभाल सकता हूँ आई कैन मैनेज दिस इस तरह की एक्टिविटीज़ को जब आपको दिखाना होता है अपनी मेंटल एबिलिटी को दिखाना होता है तो वहाँ पर कैन का यूज़ किया जाता है द नेक्स्ट इज़ एबिलिटी फिजिकल अगर आप जिसमानी तौर पर के बात कर रहे हैं शारीरिक तौर पर बात कर रहे हैं कि आप केपेबल हैं कुछ करने के लिए तो वहाँ पर आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे एग्जाम्पल है ही कैन लिफ्ट हैवी वेट्स वो भारी वजन उठा सकता है और यू कैन से दैट आई कैन रन वेरी फास्ट और यू कैन से दैट माई फ्रेंड कैन जंप वेरी हाई यहाँ पे हम लोग फिजिकल एबिलिटीज की बात कर रहे हैं तो फिजिकल एबिलिटी को दिखाने में भी हम लोग कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं अब आप अपने आप से पूछिए दो सेंटेंसेज मन में बनाइए जहाँ पे फिजिकल एबिलिटी का इस्तेमाल किया गया हो बहुत सिंपल है इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो पहले आपको सब्जेक्ट रखना है उसके बाद आपको कैन का इस्तेमाल करना है इसके बाद आपको मेन वर्ड रखना है एंड उसके बाद अदर वर्ड्स को आपको रखना है सोचिए मन में दो सेंटेंसेज बनाइए आप ओके okay, नेक्स्ट पढ़ते हैं एबिलिटी स्किल्स की बात करें हम like लाइक आपके पास कोई कला या हुनर है फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल है शी कैन डांस वेरी वेल वो बहुत अच्छा नाच सकती है या फिर आप कह सकते हैं ही कैन ड्रॉ वेरी वेल वो बहुत अच्छी ड्राइंग बना सकता है ही कैन ड्रॉ लाइव स्केचेस और लाइव पोर्ट्रेट वो लाइव पोर्ट्रेट ड्रॉ कर सकता है और शी कैन सिंग वेरी मेलोडियसली तो यहाँ पर स्किल्स की बात होती है स्किल्स को दिखाने में भी हम लोग कैन uh, का इस्तेमाल कर सकते हैं ना जनरल ट्रूथ की बात करें तो यहाँ पर भी कैन का इस्तेमाल किया जाता है आमतौर से कोई स्टेटमेंट कहना होता है जो सच पर आधारित हो फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज कैन मेक यू स्ट्रॉगर मतलब व्यायाम तुम्हें मजबूत बना सकता है और फायर वॉक्स कैन फ्राइजन पेट्स पटाखे जो हैं वो पालतू जानवरों को डरा सकते हैं तो इस तरह के सेंटेंसेज या फिर इनफॉर्मल कैजुअल रिक्वेस्ट इससे क्या होता है इसको समझें आप इनफॉर्मल रिक्वेस्ट क्या होती है जैसे आपको अपने दोस्त से अगर पेन मांगना है तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि प्रिय दोस्त क्या आप मुझे अपना पेन देने का कष्ट करेंगे हम लोग ऐसे नहीं बोलते हम लोग दो भाई पेन दो जरा दैट्स हाउ वी से इट वी आस्क फॉर पेन बट वी आस्क वेरी कैजुअली सो इस तरह के सेंटेंस में हम लोग कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं कैन यू हेल्प मी इसका लिटरल ट्रांसलेशन हुआ कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो लेकिन मीनिंग क्या निकलेगा इसका मीनिंग निकलेगा भाई थोड़ा हेल्प कर दो ना दैट्स द मीनिंग आई मीन कैजुअली यू आर आस्किंग फॉर हेल्प और कैन आई बोरो योर पेन क्या मैं तुम्हारी कलम उधार ले सकता हूँ ये इसका ट्रांसलेशन हुआ लेकिन मैसेज क्या निकलेगा भाई थोड़ा पेन दो ना इस तरह के सेंस में आप कैन का इस्तेमाल करेंगे ओके आप अपने दोस्त से ऐसे पेन नहीं मांगते हैं कि दोस्त कृपया आप मुझे अपना कलम देने का कष्ट करें ऐसा नहीं बोलते हैं दो भाई पेन दो जरा सो इन दैट सेंस इन वेरी इनफॉर्मल सेंस वी कैन यूज कैन नाउ इफ वी टॉक अबाउट मे अगर हम मे की बात करें तो सबसे पहले मे जो है वो संभावना प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी किसी चीज का फिफ्टी फिफ्टी परसेंट वाला कुछ चांस है तो वहां पर मेका फॉर एग्जाम्पल आज बारिश हो सकती है यू आर नॉट श्योर होने हो भी सकती है नहीं भी हो सकती इन दैट केस यू कैन से इट मे रेन टूडे या फिर द ट्रेन मे अराइव लेट ड्यू टू फॉक कोहरे के कारण ट्रेन देर से आ सकती है तो संभावना दिखाने में प्रोबेबिलिटी को दिखाने में मे का यूज किया जाता है नेक्स्ट इज इजाजत परमिशन अगर आपको परमिशन देना है किसी को इफ़ यू आर गिविंग परमिशन या फिर अगर आपको किसी से परमिशन मांगनी है विनम्र तरह से पोलाइटली तो वहाँ पे मे का इस्तेमाल करेंगे जैसे फॉर एक्जाम्पल मे आई गो आउट क्या मैं बाहर जा सकता हूँ और या फिर मे आई कम इन सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ तो इसका आंसर नेगेटिव में या पॉजिटिव में पॉजिटिव में आप दे सकते हैं यस यू मे नेगेटिव में दे सकते हैं नो यू मे नॉट लेकिन यहाँ पे अगर कोई आपसे परमिशन मांग रहा है किसी चीज़ की और आप नो में आंसर कर रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको रीज़न बताना होता है ताकि वो उसे बुरा नहीं लगे या वो हर्ट नहीं हो फॉर एग्जाम्पल इफ सम आस्कििंग में अगर मैं क्लास ले रहा हूँ और कोई मुझसे क्लास में पूछता है सर में आई गो आउटसाइड तब मैं बाहर जा सकता हूँ तो अगर मैं कह रहा हूँ कि नो यू मे नॉट नहीं आप नहीं जा सकते हैं इसके बाद मैं अगर एक रीजन एड कर दूँ फॉर एग्जाम्पल नो यू मे नॉट आई एम गोइंग टू टीच वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन सो प्लीज स्टे फॉर अ वाइल एंड राइट दो ये थोड़ा सा इसको और ज़्यादा पोलाइट बनाता है उसके बाद है चेयर क्या मैं इस कुर्सी पर बैठ सकता हूँ तो इसका आंसर दे सकते हैं यस यू मे बैठ सकते हैं या फिर नो यू मे नॉट नहीं आप नहीं बैठ सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट अगर करना होता है आप किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहां पर भी मे का यूज किया जा सकता है फॉर एग्जाम्पल मे आई सिट बिड यू क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ और मै आई आस्क फॉर यूर फोन नंबर क्या मैं आपसे आपका फ़ोन नंबर मांग सकता हूँ मै आई नो योर नेम क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ मे आई टेक यू ऑन अ डेट क्या मैं आपको डेट पर लेके चल सकता हूँ और मई आई इन्वाइट यू टू माई हाउस पार्टी क्या मैं आपको अपने घर पर आमंत्रित कर सकता हूँ इस तरह के पोलाइट रिक्वेस्ट में आप मे का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर मैंने दस सेंटेंसेज दिए हैं आपके लिए सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज ये हैं आप इसको बनाने की कोशिश करें और आप इसको इसके ट्रांसलेशंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें ताकि आपकी नॉलेज से दूसरों को फ़ायदा हो सके सो देर आर टेन सेंटेंसेस हो है ना सो यहाँ पे दो आपको ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ क्या मैं तुम्हारे घर पार्टी में आ सकता हूँ यू कैन सी डेट मे आई कम टू योर हाउस इन पार्टी और क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो कैन यू स्पीक इंग्लिश इस तरह से आपको ये दस सेंटेंसेज बनाने हैं एंड नेक्स्ट स्लाइड में मैंने यहाँ पर ऑप्शन uh, दे रखे हैं लाइक फिल इन द ब्लैंस है ये यहाँ पे जो आपको ब्लैंक स्पेस दिख रहा है इसमें आपको कैन या मे को यूज़ uh, करना है अब यहाँ पर कैन सूटेबल होगा या मे सूटेबल होगा ये डिपेंड करता है कि आप प्रीवियस स्लाइड्स में आपने कितने अच्छे ढंग से कैन और मे का यूज समझा हुआ है तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए लिखिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ इट टू योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो लर्न इंग्लिश और दे कैन लर्न द यूज ऑफ़ कैन एन में थैंक यू वेरी मच टेक केयर ब बाय